फ्रेंड्स, मैं एमडी आपका स्वागत करता हूं नेक्स्ट जेन डब्ल्यूएलएन वीडियो सीरीज में। चलिए कंटिन्यू करते हैं आरएफ प्रोपोगेशन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि जब वेव ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ जाती है तो वो ट्रैवल कैसे करती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब ये ट्रैवल करती हैं तो किस किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती हैं। जब वेव किसी एयर में जाती है एयर से, तो उसकी अलग बिहेवियर होता है। जब किसी वाटर के थ्रू जाती है तो उसका अलग बिहेवियर होता है। यही बिहेवियर हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको राइट साइड में नीचे की तरफ ये जो डायग्राम है इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। ये एंटीना वेव्स को इंड्यूस कैसे करता है? तो हमने पिछले वीडियो में जब देखा कि ट्रांसमीटर एक होता है जिसके अंदर एक ऑसिलेटर लगा होता है, ऑसिलेटर वेव्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जब ये वेव्स एंटीना तक पहुँचती हैं उसके बीच में एक केबल होती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंडक्टर। तो जब ये केबल के थ्रू एंटीना तक पहुँचता है सिग्नल, उसके बाद ये अल्टरनेट करंट उस एंटीना के अंदर फ्लो करता है, तो चारों तरफ एक फील्ड बन जाती है जो कि वेव्स होती हैं। वही वेव्स जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। जब ये ट्रैवल करती हैं तो किसी न किसी वजह से ये रिफ्लेक्ट भी होती हैं, रिफ्रैक्ट हो जाती हैं या डिफ्रैक्ट होती हैं। और इनकी कई कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिसमें ये अटेन्यूएट हो जाती हैं। अटेन्यूएट मीन्स ये इनकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की। सपोज कीजिए एक वेव किसी ट्रांसमीटर से निकलती है और ये ट्रैवल कर रही है, और आपने कोई मिरर या कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई मेटल या कुछ भी आता है उससे ये वेव टकरा जाती है, तो ये बजाय कि सीधा जाने के ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये इस तरह से चलने लगेगी, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो जब भी ये रिफ्लेक्ट होगी तो इसके अंदर कुछ लॉस आएंगे। लॉस मीन्स अगर उसका एम्पलीट्यूड 5 है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये शायद 3 या 4 या 2 भी हो सकता है। ये डिपेंड होता है कि कितना इंडेक्स रहेगा। उसी तरह से रिफ्रैक्शन, अगर लेट्स से कि अगर ये वेव आपकी आ रही है और ये सरफेस वाटर का सरफेस है, तो ये वेव ऐसे इसके जैसी वाटर के ऊपर टच करेगी तो ये बेंड हो सकती है, ठीक है, उसको हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। अब्जॉर्प्शन क्या होता है? किसी वॉल से टकराती है तो उसमें से कुछ एनर्जी वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है और आपको एक लो गेन का सिग्नल दे देती है। तो ये जो एनर्जी जो जो इसकी कम हो गई है, जो एम्पलीट्यूड इसका कम हो गया है, उसको हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। वो एब्जॉर्ब हो गया है किसी वॉल के द्वारा। स्कैटरिंग में क्या होता है? जब कोई वेव आती है वो किसी एक नुकीली चीज़ पर, जैसे कोई कोई रॉक हो गया या कोई कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी जो टिप है बहुत शार्प रहती है, तो ये इसके ऊपर जैसे टकराती है तो वेव्स इस तरह से स्कैटर हो जाती है। इसी तरह से इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, जब वो किसी भी मीडियम से गुजरती हैं और किसी चीज़ से टकराती हैं, उन्हीं डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। सपोज करो आप दो सिग्नल आ रहे हैं, ये आपका रिसीवर आ जाता है, ये एक यहाँ पर वॉल है, ये सिग्नल यहाँ पे टकराता है, और सपोज करो ये सिग्नल थोड़ा सा इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है और ये थोड़ा सा अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, और ये सिग्नल बिना किसी रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन या किसी भी ऑब्स्टेकल के ये डायरेक्ट सीधा पहुंच जाता है। सपोज करिए ये 1 सेकंड में पहुंचता है, ये हाफ सेकंड में पहुंचता है। तो मल्टीपाथ में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पाथ से आपके पास वेव आती है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस की। तो आउट ऑफ फेज वेव जब पहुंचती है उस रिसीवर तक तो वो यूजलेस होती है। इन फेज वेव्स होती हैं वो यूजफुल होती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो जैसे कि दो वेव्स आपकी आई, एक ये है और एक ये है, ठीक है। जब ये दोनों वेव्स इस रिसीवर तक आएंगी तो इसका जो सिग्नल आउटपुट रहेगा वो अच्छा रहेगा, बढ़ा हुआ मिलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम फेज की हैं तो इसका आउटपुट बढ़ जाएगा। तो अभी अगर हम देखते हैं दो डिफरेंट फेज की वेव आएंगी, सपोज करें एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो ये रिसीवर इन दोनों वेव्स को समझ नहीं पाएगा और इसको डिस्कार्ड कर देगा, तो ये नल हो जाता है। तो ये जो बिहेवियर होता है, ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के अकॉर्डिंगली सेट होती हैं। तो हम अपना रिसीवर जब हम डिज़ाइन करते हैं, अपना ट्रांसमीटर जब हम डिज़ाइन करते हैं या अपना वायरलेस नेटवर्क हम डिज़ाइन करते हैं, तो हम इन चीज़ों को ध्यान रखकर ही डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह से अपना वायरलेस नेटवर्क सेटअप करना है। क्योंकि अगर आपके
नेटवर्क में बहुत सारी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होगी तो आपका नेटवर्क ठीक से काम नहीं करेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग नेक्स्ट जेन WLAN।